अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश भर सहित मेडिकल कॉलेज चंबा के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने भी सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को 25 विशेषज्ञ चिकित्सकों के एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर जाने से चंबा में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई है। हालांकि इस दौरान आपातकालीन सेवाएं सुचारू रही। वहीं ओपीडी में केवल जूनियर रेजिडेंट चिकित्सकों ने ही मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की। विशेषज्ञों ने सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय सरकार से नाराज होकर लिया है। इसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएशन ने पहले ही सरकार को अवगत करवा दिया था, लेकिन सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी। चिकित्सकों ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल उन्होंने एक दिन का अवकाश लिया है। अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो ये विशेषज्ञ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। इससे मरीजों की समस्याएं और भी बढ़ जाएंगी। मंगलवार को विशेषज्ञ चिकित्सकों ने गेट मीटिंग के माध्यम से अपना रोष भी प्रकट किया। मेडिकल कॉलेज चंबा के असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर माणिक सहगल ने बताया कि पिछले 3 दिन से मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ काले बिल्ले लगाकर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अपनी मांगे पूरी होने के लिए सरकार को 3 दिन पहले ही अल्टीमेटम दे दिया था, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया। इसके चलते उन्हें सामूहिक अवकाश पर जाना पड़ा है। आज की जो हमारी चंबा मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएशन की गेट मीटिंग हो रही है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं ये बताना चाहता हूँ कि जनवरी महीने में हमने एक सरकार से अपनी कुछ एक जायज मांगों को लेकर निवेदन किया था कि हम पे थोड़ा ध्यान दें। सरकार ने उसके लिए एक कमेटी गठित की और उस कमेटी ने ये कमेटी फरवरी के महीने में गठित हुई। उसमें सरकार ने यही कहा कि जो भी जेन्युइन मांगे हैं उन पे सरकार ध्यान दे। फिर अभी हमने सितंबर महीने में फिर से एक बार सरकार को चेताया था कि जो हमारी जेन्युइन जायज मांगे हैं उन पे थोड़ा ध्यान दें, पर जिसमें कोई कार्रवाई ना होने पर हमने अभी 30 तारीख को सरकार के समक्ष अपनी एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें हमने कहा था कि हम 3 तारीख तक जो है ब्लैक बैचेस, इन्हीं मांगों को लेकर ब्लैक बैचेस पहनेंगे। अगर फिर भी हमारी जो जायज मांगे हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएशन है, उसके सारे मेंबर्स हैं। और साथ ही इसमें ये बताना चाहता हूँ मैं कि इसमें जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं हमारे हॉस्पिटल की, वो इसमें इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। वो वैसे ही उसी तरह से चल रही हैं जैसे कि वो पहले चलती थी, बल्कि अभी भी जो स्ट्राइक पे हैं डॉक्टर्स वो इमरजेंसी सर्विसेज में मौजूद हैं। तो धन्यवाद सर। अगर बाकी हमारी जो हिमाचल स्टेट के बाकी जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, सभी फैकल्टी एसोसिएशन सभी कॉलेज की वो इकट्ठी हैं इसमें। आज एक दिन की मास सीएल पे वो भी हैं, तो शाम को जैसे ही हमको ऊपर से निर्देश आएंगे हम उसी तरह से आगे इसमें निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए चंबा से ऋषभ महेंद्र के रिपोर्ट। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर, चुनिए नई ब्रिजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क, आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।